हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक। फाइनली वी आर हियर। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, तो गाइस चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। Great place, guys. I'm just enjoying it, every bit of it. You will not believe such a मतलब इतना शांत है, सुकून है, एकदम अपना बिंदास होके, एकदम मस्त होके आप चिल मारिए। तो पीछे में अभी धूप है, तो पता नहीं मेरे ये फोटो अभी क्लियर आ रहा हुआ है कि नहीं, बट दिस इज द सेकेंड पॉइंट। बट दिस इज द सेकेंड पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट था दैट इज नियर अबाउट समवेयर, इफ यू कैन सी इट विल बी देयर, एंड दिस वन फ्रॉम हियर यू कैन सी दिस रेस्ट, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं। फॉर दैट आइदर यू कम इन अर्ली मॉर्निंग और यू कम अराउंड 5। एंड गाइज दिस आर द फ्यू फ्रेंड्स वी जस्ट मेट अप हियर, वी केम टू नो, आई ऑल्सो लव people who do cycling, it's really wonderful to see a lot of people have started cycling. Can you tell me this model number, man? Trinks Q550. So you can see it, man, it's a super bicycle. So you get both side disc brakes and you have Shimano Altus suspension. It's not suspension, gear train. And it is, I think, 7x3? 8x3. And with that you get 8x3 combination. So you can see it is thumb shifter, so it's perfect, not like mine which is rotating shifter. So that's what I suggest, ki if you don't go for ST50, go for ST100, that have dual aluminium alloy, dual wall aluminium alloy wheel, and you got thumb shifter with that, and you get 27.5 inches tire, and in ST50 you get 26 inch tire. So that is one more negative points for this bicycle. So guys, this is one more beautiful place, you can see. So basically I think there will be lot of places which normal logo to pata hoga nahi, jo pehli baar aa rahe hain un log ko to milega nahi. So actually ye log bhai log mujhe mil gaye the, to in log ke chalte ye sab place ko dekh pa rahe hain, nahi to ho sakta hai hum log bhi wahi se ghoom ke chale jate, hum log ko pata bhi nahi chalta ki ye sab jagah mein aisa bhi kuch area hai. Awesome view guys, so basically thanks to them, वो लोग अगर नहीं दिखाते, वो लोग अगर नहीं बताते तो शायद यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हम लोग अभी फाइनली बाहर निकल रहे हैं क्योंकि 5 बजे ये क्लोज हो जाता है, तो आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आते वक्त, आप लोग का रिकॉर्डिंग करके दिखा नहीं पाया, बहुत अच्छा ऑफ रेडिंग के लिए ट्रेल है, थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रो लेवल का नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा है। तो अभी नॉर्मल रोड में आ गए हैं इसीलिए रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, आगे में देख पा रहे हैं सनोज जी जा रहे हैं, तो हम लोग अभी सीधे एग्जिट गेट की तरफ ही जा रहे हैं। मेरा साइकिल काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, पता नहीं वीडियो शेक ही आएगा कि स्टेबल रहेगा, जस्ट बियर विथ इट गाइज। तो गाइज देख सकते हैं काफ़ी नैरो रास्ता है, मज़ा तो बहुत आ रहा है, डर सिर्फ एक ही बात का है पंक्चर ना हो जाए, लेकिन पंक्चर किट सनोज जी रखे हुए हैं अपने साथ, लेकिन हम लोग एक्सपर्ट हैं नहीं, पंक्चर हो जाना मतलब 1-1.5 घंटा टाइम पास ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, ज़रूर आइए, मैं रिकमेंड करूँगा। और ये बेंगलोर के पास ही है, यलंका के पास है, सो मेनी पीपल ऑलरेडी माइट बी स्टेइंग अराउंड यलंका ओनली, सो दोज पीपल कैन कम हियर एंड एन्जॉय। और फिर से मैं सभी को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अगर चैनल में नए हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, उससे थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आप लोग के आगे वीडियो बनाने के लिए। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, आप लोग जरूर आइएगा, जरूर आइएगा एक बार, यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। चलिए गाइज अभी हम लोग बाहर निकलेंगे सीधे, उसके बाद मिलेंगे अगर रोड में बनाते हैं तो।
टाटा। सो फाइनली गाइज वी आर एट द एग्जिट गेट। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे एक्चुअली ये लोग RO फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर का भी फैसिलिटी करके रखे हैं। तो यू कम हियर, डू जॉगिंग, डू साइकिलिंग, देन यू हैव अ फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, सो इट्स रियली वंडरफुल। सो वी जस्ट फिल्ड अप आवर वाटर बॉटल्स। तो इसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे, शायद आगे रिकॉर्ड ना करें बिकॉज मुझे अभी बहुत दूर जाना है, तो रात हो जाएगा, तो हो सकता है मैं यहाँ क्लोज करूँ। तो अगर क्लोज कर देता हूँ तो देन फाइन। और आप लोगों को सबको पता है, आप अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। सो गाइज मैं फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपने घर के पास ही। तो अभी रात हो गया है, जाके खाना बनाने का तो मन नहीं करेगा, सोचा बाहर से ही खाना खा लूँ। यही एक भैया है, यहीं से मैं रोल लेके जाता हूँ, तो बस रोल खाऊँगा सो जाऊँगा। तो इसके बाद आउटसाइड मैं ब्लॉग नहीं करूँगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू अगेन, बाय बाय इन अनदर ब्लॉग।